Hi friends, this is Manisha Chaudhary. Welcome back to my channel, Manisha's Craft Ideas. So here in this video, I'm going to be showcasing the pending video of the Children's Day. That is today, that is 14th of November. So these children that you see before yourself, they were already done and painted and cut and ready. So they were the major part of the creative here. And they were already done on three separate pastel sheets. Ivory sheets actually. So now what you see is Akansha ma'am trying to fix up the bulletin board for the same. Ab since kuch na kuch activities children's day ke liye already planned hoti hain, we are in our particular school, we are having adventure camp which was organized by the Rock Sport. So this bulletin board is gonna be a major part of the pictures. So therefore we are setting it right now. आर्टवर्क्स वगैरह जो थोड़े बहुत जो स्टिकर टाइप बनते हैं उनको तो रीयूजेबल करने में तो काम आ ही जाता है. सो यह टाइप काम और ये रीयूज भी हो जाते हैं लेटर कहीं ना कहीं पे. ओके, सो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ये तीन बच्चों को अलग अलग तरीके से प्लेस करके सीधा चिल्ड्रंस डे लिखा जाएगा और एक प्यारा सा कोट लिखा जाएगा. Here, this is what we are going about it. अब लास्ट वाला वैसे देखा जाए तो इनको थोड़ा इक्वली स्पेस भी किया जा सकता है तीनों को, बट बीच के अंदर टेक्स्ट थोड़ा बड़ा लिखा गया था तो वो येलो स्पेस हमको ज़्यादा चाहिए थी. नहीं तो यहीं अगर थोड़ा सा इन्हें बाहर करके और जटेड आउट रहते तो भी ज़्यादा आई थिंक बैलेंस्ड विजुअल लगता. हैप्पी के लिए जगह नहीं थी बीच में तो उसको ऊपर फिक्स कर दिया और चंद्र के बीच में आ जाए. सो वॉच हाउ इट गोज. ऑलवेज अ वेरी हैप्पी विजुअल, चिल्ड्रन एंजॉयिंग प्लेइंग. And here at the bottom, we are fixing the coat. जिसके अंदर एक चीज पेंडिंग रह गई थी, that was to write the date of the event, that is 14th November, which was later on added onto the board. Here I could not put it because the time when we were making the video, it wasn't ready. But later on we fixed it. So this is it, very simple. बाद में जितनी भी नेगेटिव स्पेस थी ये कहीं कभी कभी क्या होता है ना, बैकग्राउंड थोड़ा रीयूज होते रहते हैं तो कहीं कहीं पे थोड़ा स्टिकल पेंस के मार्क्स रह जाते हैं, तो उसको एज अ फिलर के लिए या तो छोटे छोटे स्टार्स लगा लीजिए ताकि इतना सॉलिड फ्लैट बैकग्राउंड ना हो. मज़ा तो तब आता जब भी थोड़े ट्रांजिशन आता शेड्स आते, बट ये ऑलरेडी सैचुरेटेड कलर्स होते हैं जिस चीज़ के, इसके लिए ज़्यादा नहीं कर पाते. अब इसके अंदर जहाँ पहले थोड़ा एक स्टिपलर से रुका होता है बाद में भी फिक्स इट प्रॉपरली सो दैट द आर्ट वर्क डजंट फॉल ऑफ. नाउ ओनली थिंग रिमेनिंग इज इन द बैकग्राउंड वी आर गोइंग टू बी पुटिंग द स्मॉल स्मॉल कलरफुल सर्कल्स. ये ऑलरेडी बने हुए रहते ही हैं, स्टार्स भी बने होते हैं, स्टार्स भी प्यारे लगते, बट देन इंस्टेड ऑफ स्टार्स थॉट ऑफ एडिंग दीज सर्कल्स. आप कलरफुल सर्कल्स भी छोटे छोटे 1 इंच के उसके निकाल सकते हो काट के पेस्टल शीट का. कहीं ना कहीं जब काम होता है तो उसके छोटे मोटे टिट्स एंड बिट्स पड़े ही रहते हैं, तो उनको जस्ट डोंट थ्रो अवे द वेस्ट. यू ट्राई टू मेक यूज ऑफ वॉट एवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शीट इज, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको यूज़ करते हैं. इट रियली एक्स माई हार्ट टू वेस्ट द पेपर. सी इट्स बिकम अ वेरी हैप्पी विजुअल नाउ. जहाँ वो थोड़ा ब्लैंक लग रहा था बैकग्राउंड का यूज़, अब नाउ इट्स लुकिंग लिटिल मोर ऑक्यूपाइड एंड फिल्ड आउट द एंटायर स्पेस. सो दिस इज इट, चिल्ड्रंस डे बुलेटिन बोर्ड फॉर स्कूल डेकोरेशन पर्पसेस. आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड यस इफ यू डिड प्लीज गिव अ लाइक एंड टू गिव योर फीडबैक. I would love to hear more from you. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.